सब्सक्राइब कीजिए इजी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बेसन की चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम बेसन ले लिया है, 1 टीस्पून के लगभग नमक डाल दिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून तिल, सफेद तिल है, और लगभग इतना हम ये 2 चम्मच हम यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं। इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। और डो बनाने के लिए बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये आटा है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। और ये देखिए इस तरीके का ये आटा ऐसा बनाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा है ये। तो चलिए हम जल्दी से अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं और इस आटे को हम इस तरीके से बनाकर रख देंगे एक साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये चकली बनाने वाली मशीन रख ली है और इसमें हमने ये वाली जाली लगाई है, ये सिंगल होल वाली जाली है, और इसको हमने अच्छे से ग्रीस भी कर लिया है अंदर से। अब हम इसके अंदर जो हमने ये बनाया है डो, एक लंबा सा हमने इसका रोल बना लिया है, इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और ऐसे दबाएंगे। और अब हम अपनी इस मशीन को बंद कर देंगे। इस मशीन का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसी मशीन से आप अपनी सेल भी बना सकते हैं, आलू भुजिया बना सकते हैं, बहुत काम आती है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है, आप इसके जगह जो दूध के पैकेट्स होते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। इसको अब हम ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से। शीट को ग्रीस करने के बाद अब हम अपनी मशीन से चकली बनाएंगे, बहुत हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरीके से कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से चकली बनानी है। अब दूसरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, चकली का साइज छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमने दूसरी भी बना ली है, इसी तरीके से और बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। और ऑयल आपका अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए आप हाथ अगर ऐसे करेंगे तो आपको हीट फील होगी, अच्छी वाली हीट फील होगी। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे और जो हमने चकली बनाई है उसको बहुत ध्यान से, ये देखिए बहुत आराम से ये उठ जाती है। और अब हम 1 by 1 ऑयल के अंदर डाल देंगे और एक साथ बस 3 से 4 ही डालेंगे। हमने अपनी 4 चकली डाल दी हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगभग आधे मिनट के बाद हम इनको पलट लेंगे। आधा मिनट हो चुका है, अब हम इनको फ्लिप कर लेंगे और बस अब हम अलट पलट कर अच्छी तरीके से, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए जब तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाते जरूर रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बनकर तैयार हो गई है। बाकी बची हुई चकली भी हम इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई हमारी बेसन की क्रिस्प चकली। और इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है। और आप इस चकली को, अभी तो सारा फेस्टिवल सीजन अभी शुरू हो गया है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं और शाम की चाय हो या सुबह की चाय हो आप कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस इसको बनाने के बाद आप इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये लगभग 15 से 20 दिन तक भी आराम से चल जाती है। और ये कितनी क्रिस्प बनी है उसके लिए आप ऐसे चकली लीजिए, ये देखें, आपको इसकी आवाज आई होगी, ये देखें, ये इतनी ज्यादा क्रिस्प बनती है और खाने में बहुत बढ़िया लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आई हो बेसन की चकली की रेसिपी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही हमें कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस करना और साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।